फिटनेस से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें सुधीर दुबे फिटनेस गुरु को, साथ में किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको वेजिटेबल ओट्स बनाना सिखा रही हूँ जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हैं। इसके लिए हमें कुछ वेजिटेबल्स चाहिए होंगी, तो इन वेजिटेबल्स में मैंने लिए हैं अनियन, प्याज, ये लिया है मैंने शिमला मिर्च, और ये लिए है मैंने बीन्स। आप और भी इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, मैं सिर्फ यही तीन ऐड करना चाहूँगी, बाकी और आगे देखते हैं। ये मैंने लिया है वाटर, आप देख सकते हैं। और हमारे पास हैं दो तरह के ओट्स, आप जैसे कि देख पा रहे हैं, एक है केलोग्स के ओट्स, इस पर लिखा है सोल्यूबल फाइबर हेल्प रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं। इस पर फाइबर होता है जो कि ये आपके स्टमक को फिल रखता है और इससे ज़्यादा भूख नहीं लगती है आपको, और ये कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करते हैं, ये ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल फ्री होते हैं। और दूसरा आप ये ओट्स देख रहे हैं, ये है सफोला ओट्स, ये भी 100% नेचुरल है और काफ़ी हेल्दी हैं। और ये मैंने एक और पैन में पानी लिया है जिसमें मैं ओट्स डालूंगी, ठीक है। ये पहले वाला पैन है जिसमें मैं वेजिटेबल्स बॉइल करूंगी, और ये दूसरा पैन है जिसमें मैं ये ओट्स डालूंगी। अब आगे का प्रोसीजर देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इसको गैस पे रख दिया है, ये फ्लेम आप देख सकते हैं, फ्लेम ये मीडियम फ्लेम है, इसको मैं करछी से स्टर कर रही हूँ, ये बॉयल होने के लिए रख दिया है। और दूसरी साइड से मैंने ओट्स रखे हैं, आप देख सकते हैं ये भी मीडियम फ्लेम पे ही है, लो फ्लेम पे। अब आपको ओट्स को गर्म करना है, बॉयल होने के लिए रखना है 2 से 3 मिनट के लिए। और ये वेजिटेबल्स आप देख सकते हैं, ये थोड़ा हार्ड होती हैं तो इनको ज़्यादा टाइम लगता है, आप इनको अप्रोक्सीमेटली 5 मिनट्स के लिए लो से मीडियम फ्लेम पे रख सकते हैं। ये देखिए दोनों साइड ही ये गर्म हो रही है फ्रेंड्स, जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि ये वेजिटेबल्स अच्छे तरह से बॉयल हो गए हैं, देखिए। तो अब मैं इसको बंद कर रही हूँ, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, काफी क्रिस्पी लग रहे हैं दिखने में, ऐसा लग रहा है कि ऐसे ही कच्चे खा जाऊं, इट्स अ यम्मी। अब मैं क्या करने चाह रही हूँ, इसको वेजिटेबल्स को और ये जो मेरे ओट्स हैं ये भी मेरे बॉयल हो गए हैं अच्छे से, ये तो काफ़ी जल्दी हो गए थे 2 मिनट में ही, 2 से 2.5 मिनट में, तो ये थोड़े से हार्ड हो गए हैं एक्चुअली। तो इसमें जब मैं ये वेजिटेबल ओट्स वेजिटेबल्स वाला पानी ऐड करूँगी तो ये लाइट हो जाएंगे, अभी इसके लिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। अब देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने इसमें हल्दी, नमक, मिर्च और काली मिर्च ऐड की है, अगर आप इसमें और स्पाइसेस ऐड करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, जैसे कि आप इसमें काला नमक डाल सकते हैं और आप इसके अंदर पत्ते डाल सकते हैं, पुदीना के पत्ते या फिर धनिया के पत्ते डाल सकते हैं आप इसमें, जिससे कि इसमें थोड़ा एक फ्लेवर ऐड हो जाएगा। और आप इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, चाट मसाला, गरम मसाला, ये सब चीज़ें आप इसमें डाल सकते हैं। अब मैं इसको स्टर कर रही हूँ, ये काफ़ी गर्म हो गया एक्चुअली, एक सेकेंड रुकिए, मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करना है आपको। तो देखिएगा फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने जो वेजिटेबल्स बॉइल करे थे उसी के अंदर ही ओट्स डाल दिए थे और उसी के अंदर स्पाइसेस डाले थे, और मैंने इनको मिक्स कर दिया है काफ़ी अच्छे से, आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए अभी बस इनको 1 से 2 मिनट के लिए गैस पे रखिएगा ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए वेजिटेबल्स और सारे स्पाइसेस। देखिए गैस जो है वो मीडियम फ्लेम पे ही रखा है, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे और लो फ्लेम पे गैस हम लोगों को रखनी चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, जो हमारे हम जो वेजिटेबल्स बॉइल करते हैं उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो स्पॉइल नहीं होता, अगर हम बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे रखते हैं कोई भी चीज़ को तो उसका न्यूट्रिएंट्स स्पॉइल हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जैसे कि हम वाटर भी अगर बहुत ज़्यादा बॉयल करते हैं तो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो भी स्पॉइल हो जाते हैं। आई थिंक अब ये बन चुका है,
देख सकते हैं आप, मैं अभी आपको इसको प्लेट में डाल के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे वेजिटेबल ओट्स तैयार है। फाइनली मैंने इसको प्लेट में डाल लिया है और साथ में ये मैंने लिया है कर्ड। कर्ड मुझे ज़्यादा पसंद है तो इसलिए मैं दलिया, खिचड़ी, ओट्स इन सब के साथ मैं कर्ड लेती हूँ। आपको भी लेनी चाहिए, इसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है और भी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू।